नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल फतेहपुर जिले के ओम थाना क्षेत्र अंतर्गत खरौली गांव से सिद्ध शक्ति नकटा रौली माँ वैष्णो देवी के स्थान से 25 मार्च 2022 को पैदल यात्रा शुरू किया था, जो गर्मी बारिश पार कर आज बर्फ में नंगे पैर पैदल चलकर माँ चंडी देवी के दर्शन कर माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने की चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। देशभक्त वैष्णोदास शिवकरण बर्फीले तूफान से लोहा लेते हुए माँ वैष्णो देवी में तिरंगा और माँ का ध्वजा चढ़ाकर फिर नया तिरंगा लेकर देश की जल थल और वायु सेनाओं की दैवीय सुरक्षा की कामना करते हुए कन्याकुमारी के लिए पैदल प्रस्थान करेंगे देशभक्त शिवसेवक वैष्णोदास शिवकरण जी। आप लोगों को बताते चलें कि शिवकरण जी अब तक में देश की तीनों सेनाओं की दैवीय सुरक्षा शक्ति के लिए ये दूसरी बार है जो पैदल यात्रा शुरू किया है शिवकरण जी ने। इस बार तो हर देवी देवताओं की चौखट जाते हैं, वहां हवन पूजन कीर्तन भजन और भजन संध्या के साथ ही भंडारे में भी सहभागिता देखने को मिली। कई मंदिरों में तो भांग गांजा वाले भी संतों बीच रहकर समय काटना पड़ा और कई जगहों में तो मिलिट्री फोर्स भी कैंप में बुलाया और माला फूल से स्वागत किया और चीफ एंड वेस्ट भी कहा। और जब पैदल यात्रा का कारण पूछा तो अपने आप को फक्र महसूस करते हुए जय हिंद जय भारत जय माता वैष्णो देवी का जयकारा लगाते हुए सलाम मुद्रा में खड़े हुए और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। आए सुने क्या कहा देशभक्त शिवसेवक वैष्णोदास शिवकरण ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। जय हिंद जय भारत माता की। समस्त गुरुजनों को मेरा बारंबार प्रणाम। मैं प्रयागराज मंगल उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जनपद ग्राम खरौली पोस्ट बुराई ब्लॉक जोमई तहसील बेंकी से, जो कि 25 मार्च 2022 से लगातार ये हमारी पैदल यात्रा चल रही है। मेरे यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो हमारे वीर बलिदानी हैं उनको याद किया जाए और जो आज सरहद पर खड़े जल थल वायु तीनों सेनाएं हैं उनके प्रति सभी के दिल में आदर सम्मान हो और उनको प्रेम भावना से जय हिंद जय भारत माँ का सलाम के जहाँ भी वो हम लोगों को मिले, यही मेरा उद्देश्य है। अपने राष्ट्र के प्रति एकता अखंडता को और भाईचारे का समानता ये बढ़े और राष्ट्र में सब प्रत्येक व्यक्ति के दिल में बलिदानियों के प्रति सेना के प्रति आदर भाव हो, जहाँ भी वो हमें मिले उनको हम सम्मान दें। और मेरा ये अपनी मातृभूमि के प्रति, जो आज हमारी मातृभूमि हमें बचपन से लेकर आज तक पालती है और सदैव हर प्रत्येक चीज़ों को इसी से हम पाते हैं और जब कहीं इसके बारे में कोई कहने की बात आती है तो हम सबके कदम पीछे चले जाते हैं। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों को इसके प्रति बह के आगे आना चाहिए और बच्चों में भी वैसे ही संस्कार देकर आगे भी बलिदानियों का इतिहास बकाया जाए
मेरा यह प्रयागराज मिर्जापुर झांसी गतिया ग्वालियर महोबा चंगीगढ़ कालका देवी होते हुए अब आपके बसोली बागा पार करके चंगी मचेरी माँ का नीलम घाटी से होकर हम आपके कन्याकुमारी की ओर चल रहे हैं, जो कि अब यहाँ से अयोध्या होते हुए और बनारस गया ये पार करके हमको कन्याकुमारी की ओर जाना है। प्रत्येक तीर्थ से धाम से देवी शक्तियों से हमें यही मांग करनी है कि जो हमारी सेनाएं हैं हमारी सरहदों पर हर प्रत्येक दुख तकलीफ समस्या का सामना करते हुए हम सबको सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो उनके प्रति हमें देवी सुरक्षा शक्ति की कामना करनी है और राष्ट्र के प्रति एक ही भावना लेकर कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि जिन वीरों ने हम सबके लिया है, उन महावीरों ने हम सबके लिया है, जब दिया है बलिदान देश के प्रति, तब हम सब लोगों ने पाया है यह अपना जीवन दान। और एक अमन शांति का भाईचारा हो कि जिसका मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब लोग एक ऐसे बने कि जन्मा ना कोई हिंदू मुस्लिम, जन्मा ना सिख ईसाई, जन्मा है मानव धरती पर, मानव बन मेरे भाई, मानव बन मेरे भाई।